हेलो एवरीवन, सोच रहे होगे बालों को देख कि मैं कोई शादी अटेंड कर रही हूँ। नहीं, कोई शादी नहीं अटेंड कर रही। और देखो जी, कहाँ हूँ मैं? यस, कनाडा से बाहर। और बिल्डिंग देख के समझ में आ रहा होगा, छत रूफ देख के, दैट दिस इज नॉट कनाडा, यस दिस इज इंडिया। सो आई एम इन इंडिया अपने छोटे भाई के पास। सो ये फोर्थ फ्लोर पर है और ऊपर से ग्रीनरी दिखाई दे रही है, जो आजकल हमारे को कनाडा में कम देखने को मिलती है। सो यहाँ देख देख के धूप को देखो, ग्रीनरी को देखो, बस बढ़िया ही बढ़िया। जस मैं इसकी चीज़ों को देख रही हूँ, लगता है एक शिमला मिर्च लग रही है मेरे को। पूछना पड़ेगा, अभी वो है नहीं। मिर्च का तो लग ही रहा है पत्तियाँ देख कर। और ये हमारे तुलसा जी है, थोड़ी सी बेचारी ऐसी बुजदिल सी हो गई हैं। एंड ये क्या चीज़ें हैं, आई डोंट नो, कोई तो प्लांट होगा। पर ये क्या कुछ लग रहा है, दिस समथिंग, दिस स्मॉल रेड रेड थिंग। एनी वे, सो मैं इसकी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। ही इज़ वेरी क्रिएटिव माई ब्रदर, सो आई एम गोइंग टू शो यू सम स्टफ। सो अभी भाई भाभी तो नहीं है, मैं अपने भतीजे अनुज भतीजे से मिलाती हूँ और बहुरानी से मिलाती हूँ। तो मिलिए, एक मिनट। ये हेलो, यस, सो ये टोपा क्यों पहना हुआ है भाई? कोल्ड हो रहा है काफी, कोल्ड फीवर। कोल्ड कमरे के अंदर भाई? किस, हाँ फीवर हो रहा है, ये बात है भाई। फीवर क्यों हो गया ये भी बताओ जरा। फीवर एग्जर्शन की वजह से हो गया। अभी लास्ट वीक फ्रेंड की मैरिज थी, उससे हाँ पहले एक रिलेटिव की मैरिज थी, हाँ बहुत उसके काम वजह किया है, से काफी भागा दौड़ी बहुत यहाँ से सेवा कर। कोल्ड, यहाँ से बैंगलोर, बैंगलोर से यहाँ पर। तो रात को जगना, ठंड, फ्लू का सीजन भी है। या ये कहूँ कि भाई सेवा करानी थी। नहीं, सेवा ऐसे नहीं करेंगे हम। बीबी बीबी से सेवा करानी थी, बहुरानी बहुत सेवा कर रही हैं। हाँ, सेवा बहुत कर रहे हैं, सेवा बहुत हाँ कर रहे हैं। चलो जल्दी से अच्छे हो जाओ। हाँ जी, चलो हम और को बताओ मेरे को, तुम्हें पाप तुम्हें ज़्यादा पता होगा, पापा का थोड़ी सी तो बात की थी क्या मैंने कमर हुआ? से। उस ही टॉक अबाउट मी दिस, कि कहाँ से लिया था उसने, सूरजकुंड से क्या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सूरजकुंड ये? से। हाँ जी, ये और उसने खुद पेंट करा है ना इनको, फिर बाद में कलर किया है हाँ, आई आई थिंक थिंक। सो। कलर किया है, या मतलब स्क्रूज वगैरह तो कलर्ड है। हाँ ये थी उसकी कलाकारी। ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो अपनी टेक्निक घर में लगाता है। उसने ये स्क्रू करके इनको बड़े मेजरमेंट से कुछ कुछ करके किया है, करेक्ट। वो जो साहित्य भी करता है। एंड आई सी दिस ग्रुप पिक्चर ये हम लोग को। हाँ नलदीरा किए, जो हम लोग भैया भाभी आए थे। हाँ तो ये मेरा छोटा भाई भाभी, फिर उधर में बड़ा बेटा बहुरानी, छोटा बेटा बहुरानी, और बड़े 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 भाई बड़े के भाई दो के दो बच्चे, बच्चे। यस, और ये कौन है जी? ये भी वहीं की फोटोज हैं, ये वहीं की फोटोज हैं भैया भी सब। ये हाँ भी वहाँ हाँ पापा, हाँ मैं और तृप्ति, शादी के टाइम भी, मेहंदी के अच्छा टाइम भी। हाँ ये आई थिंक 50th एनिवर्सरी नानी नानी की, नाइस, ये शादी के टाइम की यस मम्मी। हाँ तृप्ति की मम्मी। यस, ये फ्रॉक तो मेरे को याद है, मसूरी से लिया करते थे हम। हाँ जी, हाँ जी, वही का है, हाँ मसूरी का ही। जी, और ये सब की क्या कहानी है? ये तो ऐसे शो पीसेस शो पूरा। पीसेस है, कोई कहानी नहीं है ये, इसकी कहानी है दीवार पे चीज़ों की। ये उसने खुद ही कराया, उसके भी कुछ बता रहा था वो कि या खुद ला के उनको कराया, वही ना हर चीज़ का मेजरमेंट, ये सब भी उसने खुद लगाया है। हाँ जी, करेक्ट। जब घर में सब पेंटिंग हो गई, देन ही हाँ डिड ऑल दैट, जो भी दिख रहा है वॉल पे एवरीथिंग। करेक्ट। और यहाँ पर उस मतलब वो, हाँ लाइक चीज़ें वो कलेक्शन करता है, बड़े शौक है इंटरेस्टिंग मेरा। इंटरेस्टिंग। ये मिरर देखो ना, क्या लगता है कोई राजा महाराजे के ज़माने का मिरर करेक्ट। है। और वो फोटो में कौन कौन है? हाँ पूरी फैमिली ये है। कब का है मम्मी तुम, कितने मेरी, ये तुम? माथेरन का है शायद, महाबलेश्वर या माथेरन अच्छा हो शायद, लेकिन पीछे हाँ बोट दिख रही है, तो वहां का तो नहीं होगा, तीनों चलो का जिस होगा यार। चलो परिवार है जहाँ भी है। और ये साईं बाबा में बिलीव करता है भाई, तो साईं बाबा बैठे हुए हैं अच्छे से, और ये घड़ी टिक टिका रही है ऊपर।
एंड व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, कृष्ण राधा उधर है, ये चीज थी, आई रिमेम्बर, ये उसने कहाँ से, बड़ी यहीं से लोकल जगह से कहीं से लिया इसने, ये तो आइडिया की बात है, की रिंग्स उसने लिए और यहाँ पर ऊपर हाँ, से टांग दिए जिप टाइप के थ्रू। हाँ तो देखो कितने क्यूट क्यूट से हैं, अच्छा जी हाँ, बहुत सुंदर। और ये भी इस कहाँ से, ये भी कुछ एंटीक पीस सा लगता है ना, हाँ, मतलब ये टेबल जो स्टूल है या टेबल है क्या है जो भी है, टेबल स्टूल है ना ये, बुआ ऐसे तो मेरे को याद नहीं वहाँ से लिए हैं, लेकिन हाँ पापा की चॉइस थोड़ी ऐसी ही रही है, हाँ थोड़ा एंटीक भाई, उसके लिए कुछ भी लेने की हिम्मत नहीं होती मेरी इसका इतना परफेक्शन है चीज़ों में। और एक और इधर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ग्रुप जो बड़े बेटे ने इन लोग की 25th मैरिज एनिवर्सरी पे करी थी, पर बीच का उन्होंने फोटो बस चेंज किया है, इन लोग का इतना अच्छा सा फोटो है सबका। और ये हैं दोनों जने, मेहनती क्रिएटिव, अपने अपने फील्ड में दोनों जने बहुत मेहनती सिंसियर क्रिएटिव हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। और ये उनके परिवार हैं, और ये कहानी अपनी फ़ोटो की मैं बताऊंगी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मैं देख रही थी, हाँ ये वाली मैं और वही छोटी भाभी है, और हम मसूरी थे, आई रिमेम्बर ऋषु हाई स्कूल में थी, ये वाला एक ये हाँ ये वाले, तो हमने वो मजे करे थे कि गुप्ता वर्सेस गोयल कि कौन, तो हम हार गए थे तो टग ऑफ वार किया था, कितना मजा आया था। और इसमें भी मैं हार गई थी, तो मैंने कहा था ना कौन सी चक्की का खाना खाते हो ये देहरादून का टायर में बैठे हुए, बहुत मजे, बहुत मजे आए थे, ऋषु भी याद करती उस समय को तो। और इसने ये साइड में क्या लगा हुआ है ऊपर, हाँ जस्ट डेकोरेशन जैसी चीज है ना, या ये पेंटिंग भी सुंदर है बड़ी। और गणेश जी स्वीट, और ये बड़े क्यूट लगते हैं मेरे को दोनों चने, ये कहाँ से है पता नहीं, ये भी शायद सूरजकुंड से, सो क्यूट, देखो जाने को मिलता है क्या, मिलेगा तो ठीक है, हो आएंगे ओके। तो ये सामने वाला मेरा बेडरूम हो रहा है आजकल, उसके बराबर वाले में वो भाई भाभी का हो गया, ये भतीजे और उनकी उनका हो रहा चल रहा है। सो अच्छा वेदर चल रहा है यहाँ का, मम्मी पापा हैं हमारे यहाँ हैं, और ये पूजा घर है इंडिया का, तो कोई भी घर बिना पूजा घर के नहीं होता, यही सबकी नई अपार लगती है, कुछ भी लाइफ में होता है अच्छा बुरा कुछ भी सब नया। यहाँ पे मैं सो रही हूँ आजकल, और दैट्स इट। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क बढ़िया है, ऑफिस वर्क पलंग के ऊपर, एटलीस्ट ड्रेसअप तो हो, कराना में तो नीचे ड्रेसअप नहीं होते, ऊपर ही होते आधे आधे तुम तो कम से कम पूरा यस बिल्कुल बिल्कुल करो करो, और डिस्टर्ब नहीं करते। ये आजकल हमारी दुनिया चल रही है कुछ दिन, और उसके बाद फिर मैं कहीं जाना है मेरे को, वहाँ जाऊँगी। सो आराम से मज़े हैं, कोई ग्रॉसरी नहीं करनी, कोई कुकिंग नहीं करनी, तो इट्स ए गुड चेंज इंडिया आकर, इंडिया के लोगों को अच्छा चेंज होता है, जो मेरा भी हो रहा है, सब परिवार से मिलकर प्यार मोहब्बत से बैठ के बातें करना, खाना पीना। सो ये मेरी आज की स्टोरी थी, अब देखो कहाँ की स्टोरी सुनाती हूँ, कब सुनाती हूँ, आज बस फ्री हुई अभी थोड़ा सा, एक दिन तो जेट लैग था ही नेचुरली, कल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर दूसरा जिस दिन आई हूँ उसके नेक्स्ट डे से मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है रूट कैनाल का, दो दांतों का, सो अभी तो स्वेलिंग कम हो गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ करा जाए, कल भी गई थी और आज भी गई थी, अब एक दिन छोड़ के फिर जाना है, तब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे निकलूँगी। तो बस यहाँ से नमस्कार करते हैं, आप लोग भी अब अच्छे से रह रहे होंगे, अच्छा ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, हम यहाँ अपने अच्छे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, फॉर ए वाइल देन आई हैव टू कम बैक देयर, ओके बाय। इस बार मैं कनाडा से इंडिया एयर बाय एयर इंडिया से आई,
बहुत अच्छा सफ़र रहा क्योंकि ये विंडो सीट थी बस बिजनेस क्लास के पीछे पहली रो में। और सबसे अच्छी बात जो मेरी बेटी ने वो लेके दिया फुट रेस्ट इन्फ्लेटेबल अमेज़ोन से, वो बहुत अच्छा रहा। जो 14 आवर्स की फ़्लाइट में परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई, बस 2 बार वॉशरूम के लिए बस वॉक करा, बाकी आई वाज सो गुड। और विंडो के साइड में इतने सुंदर सुंदर सीन बीच बीच में दिखाई दे रहे थे, ये आप क्लाउड्स देख रहे हैं एंड देन ये रॉक्स माउंटेन्स, बहुत ही आँखों को तो बहुत ही सुख मिला। सनराइज़ देखा या इतनी अर्ली, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, तो खुश थी मैं इस फ्लाइट से। इट वॉज़ वर्थ टू पे।